एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। क्या हुआ? आप सब सोच रहे हैं आज कि सर लाइव आते ही गाना गाने लग गए, आज सर कैसे मूड में है। ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ये गाना नहीं एक स्टोरी आपको बताने वाला हूं, और आज हम वोकैब करने वाले हैं स्टोरी प्लस रूट मेथड से। आज तक मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैंने कुछ स्टोरी और रूट मेथड को मिक्स किया हो, बट आज करेंगे। इसलिए मैंने बोला एक हसीना थी एक दीवाना था। सो इस तरीके आज हम एक कहानी बनाने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वे से वोकैब करने वाले हैं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से लाइव आए, आज मैं कहानी सुनाता हूं आपको, और उस कहानी में इस तरीके से वो कैप पिरोएंगे कि आपको बहुत अच्छा आई होप आज का ये लाइव सेशन लगेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दें, शेयर करें फटाफट वीडियो को। चलिए जी, जो जो लाइव नहीं आया आ जाए। थैंक यू, अच्छा गाता हूं। चलिए कभी फिर तुमसे सुनेंगे कोई गाना, है ना, फेवरेट सॉन्ग तुम्हारा जो होगा फिर तुमसे सुनेंगे, ठीक है जी। चलिए फटाफट लाइव आए, साउंड एकदम और वीडियो क्वालिटी एकदम अच्छी है, सब ठीक है ना भाई, कभी मैं बोल दूं, ठीक आ रहा है ना, साउंड चेक कर लो। चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब सेशन नंबर 33 है ये आई थिंक वोकैब सेशन नंबर। पहले 32 सेशंस हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करो माय डियर स्टूडेंट्स, और वोकैब के सारे सेशंस को प्रॉपर देखते हुए चलो, एक एक दिन का देख लो या दो दो दिन के एक सेशंस देख लो और प्रॉपर कॉपी करते हुए चलो, ठीक है, स्क्रीनशॉट के चोचले मत पालना। चलिए जी, मार कर दो, इंक है ना दोनों में। स्टार्ट करते हैं डियर वोकैब का सेशन, और जैसे कि मैंने भी मजाक में बोला भी गाना गा के आपको कि स्टोरी से आज हम करेंगे और प्लस रूट मेथड से करेंगे। जो आज का रूट है उसको ध्यान से सुनो, आज का रूट है एम प्लस एम ई, और या आप एम ए कह सकते हो। ये तीन वर्ड आपको दिखाई देंगे, मतलब ये तीन रूट दिखाई देंगे, और जब भी आपको इस तरीके का रूट दिखाई दे तो समझ जाना जो इसका मीनिंग रिलेट करने वाला है वो लव या फ्रेंडशिप से करेगा, लव या फ्रेंडशिप से करेगा। तभी तो मैंने बोला एक हसीना थी और एक दीवाना था। आज का जो रूट है हमारा वो रूट ही इस तरीके का है, इंटरेस्टिंग कि लव और फ्रेंडशिप से रिलेट करता है एम एम योर एम। आशिक लोगों सुधर जाओ, ध्यान दो, आगे रुक जाओ, ध्यान दो, ठीक है। अब गाना नहीं गाएगा कोई घर पे बैठ के, पीछे से मम्मी देख रही है लगाएगी रैप्टा। ठीक है मेरे बच्चे, देखो एम एम ई और एम ए लव और फ्रेंडशिप को ये दिखाते हैं, तीनों के तीनों रूट आपको कहीं भी दिखाई दे इसी टाइप से वर्ड को हम रिलेट करेंगे, फिर उसको मैं कहानी में पिरोऊंगा, ठीक है। पहले सुनो, मैंने बोला एक हसीना थी एक दीवाना था। अब जो वो दीवाना था उसका नेचर, उस दीवाने का नेचर था डियर एमिएबल, ध्यान से सुनना, उस दीवाने का नेचर था कैसा, एमिएबल। अब देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, कैसा नेचर था उस दीवाने का। एक हसीना थी एक दीवाना था, जो अपना दीवाना था उसका कैसा नेचर था, एमिएबल, मतलब कैसा वो पर्सन था, एमिएबल था। सो एमिएबल का मतलब क्या होता है, ध्यान दो डियर। सबसे पहले जो एमिएबल होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ठीक है। बस बच्चे कमेंट छोड़ दो, अभी मजाक मस्ती बंद करो, अब सीरियस हो जाओ, ठीक है। बस सीरियस मतलब पढ़ने के लिए सीरियस हो जाओ, पढ़ाई मौज मस्ती से ही किया करो, क्लियर हो गया ना, ताकि हंसते हंसते यूं ही कट जाए रस्ते, ठीक है, ध्यान दो। सो एमिएबल का मतलब है एडजेक्टिव, बेटा छोड़ दो कमेंट, बस अब ध्यान दो, ठीक है। आगे सभी जो जो लेट हैं, देखो मैं आपके आपका गुरु टाइम पे आता है, शिष्य लेट है, बताओ, चलो फटाफट आओ। देखो डियर, एमिएबल जो होता है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। अब हमारे दीवाने का नेचर कैसा था, एमिएबल नेचर था, एमिएबल पर्सन था वो, तो एमिएबल था तो क्या क्या क्वालिटी होंगी, ध्यान से सुनो। ए एम अगर आया है या एम ई अगर रिलेट कर रहा है, सो मैंने बोला एम ई रिलेट ही इस तरीके से करेगा कि उसका नेचर लव या फ्रेंडशिप टाइप से रिलेट करेगा। इसका मतलब जो ये वर्ड है अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो ये बना है एम ई प्लस एबल, आप ऐसे कह सकते हो, एम ई प्लस एबल से एम ई एबल बनाया गया होगा। जो एम ई आया है वो आया है डियर एमिकस से, और एमिकस का जो मतलब होता है, एमिकस का मतलब होता है फ्रेंड, एमिकस का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। इसका मतलब एमिएबल में जो एमी है वो रिलेट करेगा फ्रेंड, इसका मतलब फ्रेंड फ्रेंड से रिलेट करेगा, तो वो पर्सन कैसा था, फ्रेंड, फ्रेंड नेचर मतलब फ्रेंडली होना,
कई लोगों का नेचर बहुत प्लीजेंट और बहुत फ्रेंडली नेचर होता है, ठीक है ना। जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको बोरियत फील नहीं होती, आपको प्लीज बड़ा ही प्लीजेंट फील होता है। सो ऐसे पर्सन के लिए आप क्या बोलोगे, कैसा पर्सन है वो? एमियेबल पर्सन है। उसका नेचर कैसा है? बड़ा प्लीजेंट और बड़ा ही फ्रेंडली उसका नेचर है, फ्रेंडली उसका एटीट्यूड है। सो ऐसे पर्सन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ही इज एन एमियेबल पर्सन, आप ये कह सकते हो। बट एक दीवाना था और एक हसीना थी, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना एक सेंटेंस ऐसा बनाए कि वो बड़ा ही कैसा नेचर या कैसा पर्सन था? एमियेबल पर्सन था। सो मैंने बोला ही वॉज एन एमियेबल यंग मैन। जवान भी कर देते हैं भाई साहब अपने दीवाने को। ही वॉज एन एमियेबल यंग मैन। So, हमारा जो दीवाना था कैसा नेचर था उसका? एमियेबल था। ये मजाक मस्ती को समझना मेरे बच्चे और वो कैब याद करते हुए चलना। पहला वर्ड समझ आया? मेरे साथ साथ एक बार वर्ड को रिपीट करो। एमियेबल, सुनाई नहीं दिया, चीटिंग नहीं, सुनाई नहीं दिया, जोर की बोलो और जोर की। बस बस पड़ोसी ना सुन ले आप। ध्यान दो। तो एमियेबल का मतलब हो गया मेरे बच्चे एज एन एडजेक्टिव वो यूज होगा। एमियेबल एमिकस से बना है, एमिकस का मतलब फ्रेंड है। सो ही वॉज एन एमियेबल यंग मैन। आसान हो गया जी, पक्का? चलो देखते हैं अब इस चीज को आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब वो दीवाना था तो बड़ा रिच था। अक्सर दीवाने लोग क्या होते हैं? बड़े अमीर होते हैं, दिल के भी और पैसे के भी मान के चलते हैं, ठीक है। सस्ते आशिकों ध्यान से सुनो, आगे ध्यान से सुनो। मैंने बोला जो था वो बड़ा अमीर था यार, जो हमारा दीवाना था कहानी में वो बड़ा अमीर था। और वो बड़ा अमीर था तो ध्यान से सुनो, उसके पास जितने भी प्लेस थे, उतने उसके पास जितने भी प्लेस थे उन प्लेसेस में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। होता है ना, सपोज करो आप बहुत अमीर हैं, सो आप एक ऐसी जगह बनाना चाहोगे कि जहां आपकी डिजायर्स पूरी हो, इसका मतलब उस जगह में सारी सुख सुविधाएं हो आपके लिए। सो उस पर्सन, उस दीवाने के पास, वो अमीर था तो सारी सुख सुविधाएं थी। इस सुख सुविधाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जरा ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। उसके लिए मैंने बोला इमेनिटी। इमेनिटी का मतलब क्या होता है? इमेनिटी का मतलब होता है सुख सुविधा। आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। अब ये इमेनिटी अपने आप में क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? ये होता है मेरे बच्चे नाउन। इमेनिटी जो होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब मैंने बोला ना सुख सुविधा, फैसिलिटीज होना। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? इसमें भी एम आया, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप या लव टाइप से रिलेट करेगा। अब ये फ्रेंडशिप लव से कैसे रिलेट कर रहा है सर? ध्यान दो मेरे बच्चे, ये कैसे रिलेट करेगा? इमेनिटी का मतलब है कोई भी ऐसा प्लेस, इमेनिटी का मतलब है कोई भी ऐसा प्लेस जहां सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जो आप चाहते हो, सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हो जो आप चाहते हो। सो इसका मतलब वो नेचर, वो मतलब वो प्लेस आपके लिए क्या हो जाएगा? बड़ा प्लीजेंट हो जाएगा। मैंने बोला ना फ्रेंड या प्लीजेंट टाइप से रिलेट करेगा ये रूट। सो प्लेस आपके लिए बड़ा कैसा हो जाएगा? फ्रेंडली प्लेस। अब फ्रेंडली प्लेस से मतलब क्या है? प्लीजेंट प्लेस से मतलब क्या है? वहां सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल होंगी तभी तो आपको अच्छा लगेगा। तो हमारा दीवाना था वो बड़ा अमीर था, और बड़ा अमीर था तो उसके पास जो भी जगह थी उसमें क्या अवेलेबल थी? एमेनिटी। एमेनिटी अवेलेबल, एमेनिटीज इसका प्लूरल हो जाता है बच्चे। वहां सारी कुछ एमेनिटीज अवेलेबल थी, मतलब सुख सुविधाएं अवेलेबल थी। चलिए जी जरा बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जो एमेनिटी का मतलब है, मैंने क्या बोला? एमेनिटी का मतलब क्या है बोला मैंने? आ डिजायरेबल, ध्यान से सुनना, डिजायरेबल जिसकी आप डिजायर करते हैं, और यूजफुल, अ डिजायरेबल और यूजफुल फैसिलिटी। मतलब ये है इसका मेन मतलब, सुख सुविधाएं मैंने बोला ना, फैसिलिटी। कैसी फैसिलिटी? यूजफुल फैसिलिटी है, और डिजायरेबल जिसकी आप इच्छा रखते हैं वो फैसिलिटी वहां है, अवेलेबल है। क्लियर हो गया? तो उसके लिए हम यूज करते हैं एमेनिटी, याद रहेगा। बस बच्चे कमेंट देख रहा हूं मैं, बात मत करो। क्लियर हो गया? और इसके लिए मैंने बोला फैसिलिटी ज्यादातर मैं किसमें बात कर रहा हूं? अ प्लेस, कोई भी प्लेस है, और आप कह सकते हो बिल्डिंग, ठीक है ना। जैसे अब कहानी से अगर मैं हटके बात करूं, आप किसी फाइव स्टार होटल में गए, आप वहां जाके देखो, आपको आप वॉशरूम में गए, आपने देखा हाँ यार लाजवाब है, सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है। आपने रूम चेक किया, आपने बोला हाँ लाजवाब है, सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है। इसका मतलब उसी टाइप में कोई प्लेस हो या कोई भी बिल्डिंग हो, कुछ भी इसमें सब इन्वॉल्व होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं इमेनिटी वर्ड। क्लियर है जी? चलो आंदो एक बात को, मैंने क्या बोला? मैंने बोला वी शुड स्पेंड, देखो अभी ये न्यूज़पेपर में लाइन थी
कि अभी जो पैसा है, अगर वो पैसा आ रहा है तो लोगों की सुख सुविधाओं पे हमें उसे स्पेंड करना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, वी शुड स्पेंड द अमाउंट लोगों की सुख सुविधाओं पर, सुविधाओं इसका मतलब मैं वहां उनको फैसिलिटीज करूंगा, तो अमेनिटी का प्लूरल मैं क्या कर दूंगा, अमेनिटीज। बेटा रुक जाओ, कमेंट पे ध्यान दो मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्लियर हो गया? तो अमेनिटी का मैं प्लूरल क्या कर दूंगा, अमेनिटीज। सो मैंने यहां पे बोला वी शुड स्पेंड द अमाउंट ऑन पब्लिक अमेनिटीज। पब्लिक लोगों की सुख सुविधाओं पर हमें ये अमाउंट स्पेंड करना चाहिए, ठीक है? और इसको कहानी से, मजाक से वैसे कहने मैंने कैसे जोड़ा कि हमारा एक दीवाना था जो बड़ा ही कैसा था, एमिएबल यंग मैन था, फिर उसके पास जो भी थे वो अमीर था, तो उसके पास सारी क्या अवेलेबल थी, सुख सुविधाएं अवेलेबल थी, जिसमें हमने प्लूरल में क्या बोल दिया इसको, ये बेटा प्लूरल हो गया इसका, ठीक है? अमेनिटी हम सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो अमेनिटी का प्लूरल हो जाएगा अमेनिटीज। कितने वर्ड हुए, दो। चलो जी, मजाक मस्ती को आगे बढ़ाते हैं और मजे में वो कैब तैयार करते हैं। तीसरा, अब यहीं से वर्ड आ जाता है एमिकेबल, ध्यान से सुनना, एमिकेबल। अभी एमिकेबल का मतलब क्या होता है, एमिकेबल भी बिल्कुल सेम होता है फ्रेंडली होना, बट फ्रेंडली ये तो था पर्सन के लिए यूज, अब मैंने क्या बोला एमिकेबल, एमिकेबल वो क्या था, मैन था, एमिकेबल वो क्या था, मैन था। सो याद रखना बच्चे, जो ये एमिएबल होता है वो, सॉरी मैं बोला उल्टा बोल गया, एमिएबल जो होता है वो यूज कर लिया जाता है पर्सन के लिए, जो एमिकेबल होता है वो पर्सन को डायरेक्ट अटैच नहीं करता, वो रिलेट करता है थिंग्स से या कंडीशंस से, थिंग्स से या कंडीशंस से, कोई भी चीजें या कोई भी कंडीशंस जो आपके लिए बड़ी ही प्लीजेंट होती हैं उसके लिए आप यूज करते हो एमिकेबल। बात बड़ी जो है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, जरा एक बार सुनने समझने की कोशिश करना मैं इसको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। एमिकेबल का मतलब भी होता है डियर फ्रेंडली, एमिकेबल का मतलब भी होता है फ्रेंडली, बट वो फ्रेंडली का मतलब यहां क्या है, ध्यान से सुनना। सपोज दो आदमियों में झगड़ा है, दो आदमियों में किसी बातचीत को लेकर झगड़ा है, ठीक है? उन्होंने उस झगड़े को शॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है, शॉर्ट आउट कर लिया, बट बिल्कुल ऐसे वो झगड़ा उन्होंने निपटाया कि उसके बाद कोई भी उनमें मतभेद नहीं रहा। इसका मतलब जो उनका सेटलमेंट हुआ है वो सेटलमेंट कैसा था, एमिकेबल सेटलमेंट, एमिकेबल सेटलमेंट। एमिकेबल सेटलमेंट मतलब भाई आज से ना तेरी से मुझे दुश्मनी, ना तेरी मेरे से दुश्मनी, दोनों भाई एकदम खुश रहेंगे, चलो जी झगड़ा किया खत्म। सो हमारा जो सेटलमेंट हुआ, कुछ मन मिटाव से सेटलमेंट नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट बिल्कुल एमिकेबल सेटलमेंट हुआ। बट ध्यान दो डियर, ये मैंने एमिकेबल सेटलमेंट बोला, कोई पर्सन के लिए नहीं बोला, मैं ये नहीं बोलूंगा एमिकेबल पर्सन, एमिकेबल पर्सन नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा एमिएबल पर्सन। इसका मतलब ये पर्सन के लिए यूज है जो हमारा दीवाना था, और एमिकेबल का मतलब है जो क्या हुआ, सेटलमेंट हुआ, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहां मैं लिखता हूं फ्रेंडली, फ्रेंडली से मेरा मतलब है एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बच्चे मतभेद, डिस्कॉर्ड। कोऑर्डिनेशन याद है ना, कोड और डिस्को, डिस कर दो तो क्या कर दो, खत्म। डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद, उसको याद रखना बेटा, तो नहीं ना कुछ मतभेद उसको याद रखना, आई थिंक सम उससे हम इसको रिलेट करते हैं। सो एमिकेबल मतलब इसका एक मीनिंग निकल के आता है हमारे पास, फ्रेंडली होना, एब्सेंस ऑफ क्या होना, डिस्कॉर्ड होना, कोई भी मतभेद ना होना। चलो एग्जांपल को जरा समझने की कोशिश करते हैं, बात बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा, कमेंट छोड़ो बिल्कुल यहां तक देखते हुए, चलो ध्यान से सुनना, ध्यान देना। मैंने बोला एन एमिकेबल सेटलमेंट, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, आप इसमें लिख सकते हो एन एमिकेबल। अब एमिकेबल सेटलमेंट से मतलब क्या है, एक ऐसी सेटलमेंट जिसके बाद कोई भी मतभेद नहीं रहा। सपोज करो मैंने बोला एक दीवाना और एक हसीना थी हमारी, दोनों में मतभेद हो गया, मतलब भाई का भाभी जी से झगड़ा हो गया, उसके बाद दोनों ने क्या किया, सेटलमेंट किया, और वो सेटलमेंट बड़ा कैसा रहा, एमिकेबल, ठीक है? वो सेटलमेंट कैसा रहा, एमिकेबल। सो एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब है एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसके बाद कोई, जिसमें कोई भी सेटलमेंट में कोई भी मतभेद ना रहा
हो, ठीक है डियर। सो ये चीज कैसे यूज होती है और ये चीज कैसे होती है, मीनिंग दोनों का कुछ कुछ सेम था बट यूज में बिल्कुल डिफरेंस था। बेटा क्लोज टेस्ट या फिलअप में ये दे देता है, इसके यूज को दिमाग में रखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक बात मेरी समझ आती है, चलो आगे सीखते हैं। अब ये चीज का तो एक मीनिंग हुआ, दूसरा इसका एक मीनिंग और रिलेट किया जाता है। जब आप किसी पर्सन या पीपल, मतलब पीपल के बिहेवियर की बात करें, पीपल के बिहेवियर की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो तब भी आप एमिकेबल वर्ड यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया ना, एमिकेबल वर्ड यूज कर सकते हो। इसका मतलब मैंने बोल दिया फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर। किसी का बिहेवियर कैसा है, फ्रेंडली बिहेवियर है डेस्पाइट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डेस्पाइट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, भले ही डिफिकल्ट सिचुएशन होने के बावजूद, बेटा डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, डिफिकल्ट सिचुएशन होने के बावजूद भी जब पर्सन का बिहेवियर, पीपल का बिहेवियर कैसा रहे, फ्रेंडली बिहेवियर, मतलब सिचुएशन कैसी भी आए हमारा दीवाना जो है उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, अपने दीवानी की तरफ कैसा रहने वाला है माई डियर, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर, मतलब कोई भी मतभेद करने वाला बिहेवियर नहीं, प्लीजेंट बिहेवियर। उसके लिए हम यूज करते हैं मेरे बच्चे एमिकेबल, मतलब मैंने बोला हिज। अब ध्यान से सुनना मैं क्या यूज कर रहा हूं, हिज मैनर वॉज परफेक्टली एमिकेबल। सो जो उसका मैनर था वो एकदम क्या था, परफेक्टली एमिकेबल था। सो आप इस तरीके से भी एमिकेबल को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब मैंने एमिकेबल को कितने तरीके से यूज किया, दो। चलो माय डियर स्टूडेंट्स एक बार तीनों को क्या करते हैं, कवर करते हैं। मैंने बोला मजाक में एक दीवाना था जिसका नेचर कैसा था, एमिएबल यंग मैन था वो, ठीक है, पर्सन के लिए यूज हो गया। फिर दूसरा बड़ा अमीर था तो उसके पास सारी की सारी क्या अवेलेबल थी, एमिनिटी, मतलब सुख सुविधा अवेलेबल थी। फिर मैंने क्या बोला अगर दीवाना और दीवानी में झगड़ा हुआ तो उन झगड़े को उन्होंने कैसे सेटलमेंट किया, एमिकेबल सेटलमेंट किया। क्लियर हो गया। और जो दीवाना था हमारा, भले ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो, वो अपनी दीवानी के लिए, मतलब आपकी भाभी जी के लिए कैसा मैनर रखता था, परफेक्टली एमिकेबल मैनर रखता था। मैं इस चीज को इस तरीके से रिलेट कर गया, ठीक है मेरे बच्चे। मजाक में चीजें तैयार हो रही हैं, आप स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे बात करता हूं। या एक वर्ड इसी से रिलेट करता है, क्यों ना मैं एक वर्ड को डस्टर का, थैंक यू। देखो जी, एक वर्ड को हटा के मैं करा दूं, ऊपर वाला वर्ड हटा रहा हूं, ठीक है। ये ऊपर वाला स्क्रीनशॉट वैसे ही आ जाएगा आपका, जब जैसे ही सेशन खत्म होगा ना, आपके पास वीडियो सेव भी रहनी है। एक वर्ड और मैं इससे रिलेट करा देता हूं डियर, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है फोर्थ, ठीक है, फिर उसके बाद आप कॉपी कर लेना। मार्कर दूसरा दो, बच्चा बोल रहा दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड में मार्कर बदल ही लेता हूं, थैंक यू, इसमें इंक है शायद। देखो मेरे भाई, अब ये है एमेच्योर। अब ये वर्ड अब तो साफ दिखाई दे रहा है भाई, एक दो बोल रहा था अब तो, ठीक है चलो। अब ये वर्ड है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब क्या होता है, ये पहली बात तो ये भी एज एन एडजेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट, अगर ये एमेच्योर है तो इसमें भी मैंने बोला भाई साहब आप कोई भी वर्ड देख लो, तीनों का ही रिलेशन लव या फ्रेंडशिप टाइप के मीनिंग से, इनका मीनिंग क्या है, कहीं ना कहीं रिलेट करने वाला है। सो ये चीज भी वही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपने दीवाने के बारे में तीन बातें कर ली, अब हम बात करते हैं एक हसीना थी और एक दीवाना। हसीना की बात कर लेते हैं, जो हसीना थी उसका से रिलेट करूंगा मैं इस वर्ड को, पहले इसका मीनिंग बताता हूं फिर कहानी से जोड़ते हैं ना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो एमेच्योर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, जब आप किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लें बट उस एक्टिविटी में हिस्सा लेकर आपका पर्पस ये नहीं था कि मैं पैसा कमाऊं, नहीं, आपका पर्पस था वो चीज आपको अच्छी लगती थी आपने किया, दैट्स इट, पैसा नहीं कमाना चाहते। सपोज आप एक सिंगर हैं, गायक हैं, आप गाना तो गाते हैं बट शौक के लिए, आपको अच्छा लगता है आप गाते हैं, आपसे पूछा गया क्या पैसे लेंगे क्या गाने के, आपने बोला नहीं यार मेरे को अच्छा लगता है मैं गाता हूं, दैट्स इट। इसका मतलब आप वहां प्रोफेशनल तौर पे नहीं गए हो सिंगिंग करने कि मुझे सिंगिंग करनी है और मैं एक प्रोफेशनल हूं, इसका मतलब मैं चार्ज करूंगा और मैं गाऊंगा, नहीं, आपने बोला नहीं यार
मैं एक एमेच्योर सिंगर हूँ। एमेच्योर सिंगर का मतलब मैं एक ऐसा सिंगर हूँ जो मैं गाऊंगा क्योंकि मुझे गाना अच्छा लगता है, मेरा पर्पस कमाने का नहीं है, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, नो मनी। क्लियर हो गया? सो उसके लिए शौकिया बोलते हैं ना, शौकिया जो वर्ड होता है ना, शौकिया करता हूं ये काम, वो एग्जैक्टली वर्ड ये होता है। मतलब एमेच्योर का मतलब हो गया कोई भी एक्टिविटी करना जिसमें आपका पर्पस क्या है, प्लेजर, खुशी, नॉट एज अ जॉब। आप एज अ जॉब नहीं कर रहे हो, नॉट फॉर मनी, आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हो। सो क्यों ना इसको जरा मैं मीनिंग लिखने की कोशिश करूं, ऐसे लिख लेते, टेकिंग पार्ट। टेकिंग पार्ट समझ में आया? मतलब टेकिंग पार्ट, आपने हिस्सा तो लेना है, टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी, ऐसे लिख लेते हैं, टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेना फॉर प्लेजर, अच्छे के लिए, आपको अच्छा लगता है, एंजॉय करते हो आप उसके लिए, ठीक है, नॉट एज अ जॉब। क्लियर हो गया ना? जॉब की तरह नहीं। और मैं ये भी लिख देता हूं, नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए नहीं रे बाबू, पैसे के लिए नहीं मेरे भाई, सिर्फ शौकिया, जो वर्ड मैंने वो यूज किया ना, शौकिया। तो मैंने क्या बोला, अब इसको कहानी से रिलेट कर लेते हैं भैया, इसको कहानी से रिलेट करने की एक बार कोशिश करते हैं। आपने हमारे, ठीक है, मैंने बोला ना एक हसीना थी एक दीवाना थी, जो हमारी हसीना थी वो अपने आप में थी एक सिंगर, बट नॉट प्रोफेशनल अपने आप में सिंगर, एमेच्योर सिंगर। इसका मतलब वो गाया करती थी क्योंकि उसको गाना पसंद था। क्लियर है? सो मैंने यूज किया, चलो सेंटेंस बनाओ, शी वॉज एन एमेच्योर सिंगर, एमेच्योर सिंगर। सो गाना गाया करती थी, बट इसी में नॉर्मल चीजों को तरीके से, मतलब उसका पर्पस पैसे चार्ज करने का नहीं था। सो दिमाग में बैठा यहां तक, चलो भाई साहब स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की जरा बातचीत कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार, मैं साइली हो जाता हूँ, प्लीज कॉपी मत करना मेरे भाई, कहानी अधूरी रह जाएगी, ठीक है? चलिए मेरे भाई, हो गया, हटाए, अब काफी टाइम है स्क्रीनशॉट का। तो देखो, ध्यान दो, अब मैंने आपको क्या बताया, चार वर्ड, तो याद रखना, एक हसीना एक दीवाने से हम रिलेट करके चल रहे हैं। जो हमारा दीवाना था क्या था, वो एमिएबल था, ठीक है, अमीर आदमी था, तो एमिनिटीज उसके पास बड़ी सुख सुविधाएं अवेलेबल थी, ठीक है। फिर मैंने बोला भाई साहब अगर उनके बीच झगड़ा होता था तो वो क्या करते थे, एमिकेबल सेटलमेंट करते थे, ठीक है, और अगर कुछ बुरा भी हो जाए, भले कैसी सिचुएशन रहे, उसका बिहेवियर उसका मैनर हमेशा क्या रहता था, परफेक्टली एमिकेबल रहता था। फिर हमने क्या किया, वर्ड एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब हमने किस तरीके से रिलेट कर लिया मेरे बच्चे, हमने रिलेट किया कि किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लें बट प्रोफेशनल तौर पे नहीं, जैसे शी वॉज एन एमेच्योर सिंगर, तो वो सिंगिंग तो करती थी बट शौकिया, जो हमारी हसीना थी। क्लियर हो गया? सो कहानी में जो हसीना थी उसका ये काम था। अब चारों वर्ड को हमने रिलेट किया, ठीक है जी। आप देखो बच्चे आगे, अच्छा ये कई बार उसमें भी आ जाता है, जब आप स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं बट आप वहां पर्पज पैसा नहीं कमाना चाहते, आप वहां शौकिया खेलते हैं, उसमें भी एक्टिविटीज में यूज किया जाता है एमेच्योर, ठीक है। चलो देखो अभी बातचीत को आगे चलते हैं, जरा एक एक वर्ड को जरा ध्यान से समझते हुए चलना, सीखते हुए चलना। अगर मैं इसको लिखूं ना, हमारा पहला वर्ड क्या था, एमिएबल, मैं लिख देता हूं, ठीक है जी, पहला वर्ड। दूसरा जो हमने वर्ड किया, एमेनिटी, सुख सुविधाएं। तीसरा एमिकेबल। चौथा एमेच्योर। अब आते हैं फिफ्थ की बारी, ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ना ताकि एक ही कहानी से आप फटाक से उसको रिलेट कर लोगे। चलिए मेरे भाई बातचीत करते हैं आगे, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, हैंड रेज करो फटाफट, कैसी लगी कहानी, अभी खत्म नहीं हुई, देखना कहानी में एक मोड़ भी है, देखते हैं इस कहानी का अंत कैसा होगा, दोनों मरेंगे या जिएंगे, देखते रहें आज तक। ध्यान फिफ्थ देखना, मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ वर्ड की, फिफ्थ में वर्ड है एमिटी, आपने सुना होगा, ये तो सिंपल है, ये भी एक नाउन की तरह यूज होता है, एम आ गया तो फ्रेंडशिप से रिलेट कर गया, इसका मतलब ही एक्चुअली, इसका मतलब ही एग्जैक्टली फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप, ठीक है, या आप उसको कह सकते हो अ गुड रिलेशन, अ गुड रिलेशन। क्लियर हो गया? उसके लिए हम यूज करते हो। सो एक बात बताओ, जो हमारी कहानी में है कितने लोग हैं, दो, तो हमने बोला द टू पीपल लिव्ड इन परफेक्ट एमिटी,
भाई कैसे रिलेशनशिप, कैसी फ्रेंडशिप में थे वो, एकदम परफेक्ट फ्रेंडशिप में थे। तो हमने बोला एक हसीना थी एक दीवाना था, उसी से हमने किसको रिलेट कर लिया मेरे बच्चे, फिफ्थ वर्ड को। तभी तो मैंने मजाक मजाक में कहानी उठाई ना बच्चे, सिंपल वर्ड है, एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी अगली बात से रिलेट करते हैं, ध्यान से सुना। ये वर्ड है एनेमर। एनेमर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ये अपने आप में एक वर्ब होती है। एनेमर अपने आप में वर्ब होती है, इसका मतलब होता है डियर ध्यान दो, एनेमर एम जब आप यूज करते हो तो लव या फ्रेंडशिप से आप यूज कर लेते हो, ठीक है, और ई एन जब आते हो तो इसको कहीं ना कहीं यूज करते हो एंटर करना। एंटर करना मतलब अपनी तरफ खींचना, ठीक है। लव या फ्रेंडशिप या मतलब किसी चीज से लगाव होना, उसकी तरफ आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। सो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेट कर जाता है डियर अट्रैक्शन से, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेट कर जाता है इस किससे, अट्रैक्शन से, जिसकी तरफ क्या हो जाए आप अट्रैक्ट हो जाए। एंटर कर रहे हो लव में, एंटर कर रहे हो लव में मतलब इन लव विद, उस चीज के साथ, इन लव विद, इस तरीके से आप इस चीज को यूज करते हो। सो एनेमोर का मतलब हो गया इन लव विद, किसी चीज को देखकर आप उसकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्शन को दिखाने के लिए एनेमोर जो है वो यूज किया जाता है, और किस चीज के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब वो हम यूज करते हैं। तो एक बात बताओ, हमारी कहानी में क्या है, एक हसीना थी और एक दीवाना था, क्या उम्र, दोनों को रिलेट करो। दोनों को रिलेट करोगे तो जो हमारा दीवाना था वो हसीना की लुक की तरफ क्या था, एनेमोर, इसका मतलब अट्रैक्शन होना। तो उसी चीज को हमने यहां यूज किया मेरे बच्चे। तो मैंने बोला ही वॉज एनेमोर्ड बाय हर लुक। क्लियर हो गया, By her look लिख लेते हैं, सिंपल, By her look। So he was enamored by her look। उसकी लुक की तरफ क्या था वो, अट्रैक्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को यूज करते हो। सो एनेमोर का मतलब हो गया किसी तरीके तरफ क्या दिखाने की, आकर्षित होना। एग्जैक्टली इसको हिंदी में यूज करोगे ना तो आकर्षित होना कह दो, अट्रैक्शन कह दो, इन लव विद कह दो। सो एंटर करना लव, प्यार में, इसका मतलब अट्रैक्शन होना। आसान हुई ना, इसलिए कहानी से कहानी जोड़ते हुए चलना माई डियर। चलिए बात करते हैं अगले सेवेंथ वर्ड की। अब ये बात बड़े ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग वर्ड है। मैंने बोला I N है, बेटा ना 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 सुन से चलो, अपनी कहानी मत चला तो कमेंट में मार खाएगा, ठीक है, अपनी कहानी मत चला, मार खाएगा अभी। देखो मैंने बोला इन एमरेटो का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, इन एमरेटो ये यूज किया जाता है मैन के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो हमारा, मैंने भी मजाक में बोला एक हसीना थी एक दीवाना था, अगर मैं दीवाने का टेक्निकल बोलूं, दीवाने को क्या कहते होंगे, सो डियर आप बोलोगे इन एमरेटो। सो इन एमरेटो का मतलब है, देखो इन हो गया ना, इन एमरेटो, एम हो गया लव, इन जो प्यार में है, बट ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा, मैन के लिए, मतलब ये यूज हुआ मेरे बच्चे अ मैन विद होम समवन हैज फॉलन इन लव। वो इंसान जिसके प्यार में कोई है, और वो इंसान हमारा कौन है, एक दीवाना था जिसका हम बोलेंगे नेमरेटो। सो नेमरेटो का मतलब हो गया मेरे भाई मैन होना। क्लियर हो गया, मैन मतलब एक ऐसा आदमी, अ मैन विद With whom someone has fallen in love। चलो अगर हमने अपने दीवाने का नाम दिया है तो हसीना का भी नाम दे देते हैं। देखो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इन एमरेटा सेनोरिटा, सेनोरिटा तो इन एमरेटा, तो सेनोरिटा जैसे आ है, ओ नहीं बेटा, आ जब आता है तो वो आ जाता है वुमेन से रिलेटेड, इसका मतलब ये रिलेट करेगा वुमेन। वो रिलेट किससे किया था, मैन, इसका मतलब ये क्या है, आई अ वुमन विद हुम समवन हैज फॉलन इन लव। वो लेडी जिसके प्यार में कोई है, इसका मतलब सेनोरिटा इनेमरेटो, इनेमरेटा इनेमरेटो।
सो इनमरेटा सेनोरिटा याद रहेगा ना, ठीक है। तो ए है तो विमेन से रिलेटेड, ओ है तो मेन से रिलेटेड। सो हमारे हसीना और हमारे दीवाने का नाम भी रखा जा चुका है। आसान हुआ कि नहीं हुआ? चलिए डियर, अब देखो कहानी में एक मोड़ है, क्या हुआ होगा उनका। बेटा दरिंदे मत बनो, अमरीशपुरी मत बनो, ठीक है। सो उसके जो फादर थे वो अमरीशपुरी थे, उन्होंने बोला जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इसका मतलब दोनों की शादी हो गई। अरे खुशियों में विश्वास रखो, कहता माल डालो खुशियों में रखो। दोनों की शादी हो गई और उन्होंने क्या बिताई, एक खुशहाल जिंदगी बिताई। और आगे चल के उनके पास एक संतान हुई, एक बहुत प्यारी सी बच्ची, एक बहुत प्यारी सी प्रिटी गर्ल एक बार उनके पास आई, एकदम एंजल की तरह। उन्होंने उसका बड़ा सा प्यारा सा नाम रखा, उस लड़की का नाम था, उस लड़की का नाम था, ध्यान से सुनना, उस लड़की का नाम था, कहाँ लिखें, यही लिख देते हैं, एमेंडा। उस लड़की का उन्होंने नाम रखा एमेंडा। क्या नाम रखा लड़की का, जरा बोलना, एमेंडा। श्री एमेंडा क्या होता है याद रखना मेरे बच्चे, एमेंडा जो होता है अपने आप में इसका मीनिंग ही होता है अ फीमेल गिवन नेम। इसका मतलब एक नाम, बट वो कैसा है, अ फीमेल गिवन नेम। जब आप किसी फीमेल को, जब एक प्यारी सी छोटी बच्ची का ज्यादातर ये नाम रखा जाता है, उनका नाम रख देते हैं एमेंडा। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में बेटा ये नाम देखा होगा, एमेंडा। एमेंडा का मतलब क्या होता है, मतलब तो मैंने बताया, ये नाम दिया जाता है किसी भी पर्सन को, बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा, ध्यान रखना। और जिसको मैं बोलूंगा तो अपने आप में कैसा नाउन बना, प्रॉपर नाउन, क्योंकि बेटा ये अपने आप में क्या हो जाएगा, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर हो जाएगा, बट वो पर्टिकुलर लड़के का नहीं। कहीं आगे जाके तुम्हारा लड़का हो उसका एमेंडा नाम रख दो, ना ना ना, नहीं बच्चे, अ फीमेल गिवन नेम, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है एक बहुत प्यारी सी स्वीट सी बच्ची, जिसको देखकर आपको प्यार मन करने का मन करे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हमें कितने प्यारे लगते हैं, कहते हैं तो भगवान का एक अद्भुत गिफ्ट है, आप उसको बोलते हो, तो उसके लिए बोल देते हैं मेरे बच्चे, एक बहुत स्वीट सी प्यारी सी बच्ची, उसके लिए आप बोलते हो। सो मैंने बोला डिजर्विंग, डिजर्विंग टू बी लव्ड, डिजर्विंग टू बी लव्ड, जिसको देखकर सबको प्यार करने का मन करे कि इतनी प्यारी बच्ची है, किसकी है, हमने बोला एक हसीना और एक दीवाना जो हमारी कहानी में है उसी की है। सो आसान हुई, चलो क्यों ना कहानी को पिरो दें। एक हसीना थी और एक दीवाना था, दीवाना हमारा बड़ा एमिएबल था, बट वो बड़ा अमीर था, इसीलिए उसके पास सारी की सारी एमेनिटीज मतलब सुख सुविधाएं थी। और वो बड़े ही किसी भी सिचुएशन में हो बड़ा कैसा बिहेवियर, कैसा मैनर रखता था, एमिकेबल मैनर रखता था। फिर मैंने बोला जो हमारी हसीना थी वो अपने आप में सिंगर थी, बट कैसी सिंगर थी, एमेच्योर सिंगर थी, मतलब पैसा कमाना नहीं उसका उद्देश्य था, अपना जो सुख मिलता था सो गाती थी, सिंपल। फिर हमने बोला मेरे भाई उनका रिलेशनशिप कैसा था, हमने बोला एमिटी एकदम क्या था, लिव्ड इन परफेक्ट एमिटी। चलिए जी, फिर हमने कहानी को आगे बढ़ाया, आगे क्या बढ़ाया, जो हमारा दीवाना था वो क्या था, इनेमोर्ड था बाय हर लुक, उसकी लुक की तरफ क्या था, अट्रैक्शन था। फिर उनके पापा ने उनकी शादी करा दी, शादी कराने से पहले हमने उनका नामकरण किया इन एमेरेटो, इन एमेरेटो, इन एमेरेटो मतलब हमने क्या रखा, अपने दीवाने का नाम। फिर हमने हसीना का नाम, हमने बोला सेनोरिटा, इसलिए इन एमोरिटा, इन एमोरिटा मतलब वुमेन विद होम समवन हैज फॉलन इन लव। फिर दोनों की शादी के बाद एक प्यारी सी बच्ची हुई, एकदम हमने बोला उसका नाम उन्होंने रखा एमेंडा। एमेंडा अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है जो फीमेल को दिया जाता है मेरे बच्चे, डिजर्विंग टू बी लव्ड, एक बहुत प्यारी सी स्वीट सी बच्ची को। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया, हाथ उठाओ, चलो हैंड रेज करो, अब मैं कमेंट पे ध्यान देता हूं हमारा, चलो हैंड रेज करो, बताओ मजा आया कि नहीं आया। ये लो जी, देखो अरुण सर को भी मजा आया आज, तो अरुण सर भी कह रहे मजा आ गया है। अच्छा देखो रीजनिंग बाय अरुण सर जो है, आप अरुण कुमार मिलेगा आपको, यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना बच्चे, वहाँ उस यूट्यूब चैनल पर आपको सारी रीजनिंग के बहुत बेहतरीन टॉपिक्स मिलेंगे, और सर ने होल नाइट पढ़ाया था, आपको मैराथन मिलेगी, ठीक है, 11 आवर्स सर ने पढ़ाया था रीजनिंग में, वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, टॉपिक का नाम
मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद सर्च करना, ठीक है। रीजनिंग बाय अरुण कुमार आपको वहां पर मिलेगा, बहुत बेहतरीन गजब का वहां पे आपको डिटेल में वो टॉपिक मिलेगा, कंप्लीट टॉपिक मिलेगा मेरे बच्चे, तो आपका फायदा होगा। सो हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर पाए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो बताओ मुझे, चलो बताओ मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो मजा आया नहीं आया बताओ, देखो अरुण सर को भी मजा आ गया, कह रहे ना अरुण सर भी, कह रहे मजा आ गया सर आज की कहानी में। तो चलिए जी देखो बताओ बाकियों को, कह रहा मजा आया नहीं आया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, बहुत गजब। देखो मेरे को कितना अच्छा लग रहा है तुम लोगों के कमेंट पढ़ने में, बड़ा मजा आ गया। चलिए डियर, सो आज मैंने कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की थी, और वो कोशिश मेरी थी कि मैं स्टोरी और रूट मेथड दोनों को मिक्स करके आपको पढ़ाऊं। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर है, पक्का मजा आया। सो डियर, ये थी आज तक की कहानी इस वोकैब का सेशन। कल शाम को 5 बजे एक सेशन में ला रहा हूं डिप्रेशन पर, आज का बड़ा ही बड़ी बीमारी जो अभी पनप के आ रही है वो है डिप्रेशन, और आपका गुरु हमेशा आपके साथ है। मैं आपको मोटिवेट करने में, मैं आपको पढ़ाने में, मैं कहीं भी आपको नहीं अकेला छोड़ने वाला, मैं आपको मोटिवेटेड भी रखूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। इसलिए कल मेरा सेशन आ रहा है शाम को एग्जैक्ट 5 बजते ही, वो लाइव सेशन नहीं होगा, वो डियर मैं अपलोड करूंगा वीडियो 5 बजे एग्जैक्ट, शाम के 5 बजते ही वीडियो आएगी, और आपको एग्जैक्ट 5 बजे इंतजार करना है कल शाम का, जो डिप्रेशन पर ये मेरा सेशन है। और बहुत सारे मैं सेशन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लाऊंगा जिससे मैं आपको मोटिवेटेड रखूं, आप भटक नहीं जाए, क्योंकि आपका गुरु आपके साथ है, मैं आपको भटकने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, कभी नहीं भटकने दूंगा, ठीक है। सो अभी सेशन मेरा खत्म नहीं हुआ, मतलब मेरा सेशन खत्म हुआ है, आपकी रात अभी खत्म नहीं हुई, अभी रात मेरी बाकी है मेरे दोस्त, इसलिए आराम से बैठो और पूरी रात आराम से स्टडी करो, जब तक है जान, जब तक है जान, क्लियर हो गया। दिन में भले ही सो, बट रात को जितने शांत माहौल में पढ़ोगे मेरे बच्चे, उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, कल शाम को 5 बजे आने वाला है डिप्रेशन से रिलेटेड आपके लिए सेशन। इसका मतलब कल हम वोकैब का सेशन नहीं रखेंगे, वोकैब सेशन परसों रखेंगे आज के बाद। सो कल 5 बजे वो सेशन देखना ना भूलें, और प्लीज जितना हो सके उस सेशन में भी मैंने रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के की है, बेटा उसको इतना शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास वो पहुंचे, और जितने भी बच्चे डिप्रेशन में बच्चे हैं या डिमोटिवेटेड अपने आप में फील कर रहे हैं, उनकी हम लोग हेल्प कर पाए। मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला, उस वीडियो में ध्यान रखना उस बात का, उस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है, और 5 बजते ही कल शाम के आपको वो वीडियो देखने भी है, और मुझे कमेंट्स में बताना है कैसा लगा आपको वो वीडियो, ठीक है जी। चलिए गुड नाइट एवरीबडी। सो रात की पढ़ाई आज मैं यहीं खत्म करता हूं, बट आप लोगों ने प्रॉमिस किया है अभी आप सोएंगे नहीं, हल्का फुल्का खाओ और फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। बाय बाय, टेक केयर, अपना भी और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। आप सभी के लिए मेरा ढेर सारा प्यार, मेरा ढेर सारे आशीर्वाद आप सभी के साथ हैं। बाय बाय, जय हिंद।